हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे पंजाब प्री का पेपर जो है वो हो चुका है, आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वैसे तो जिन स्टूडेंट्स के 400 प्लस हैं दे कैन प्रिपेयर फॉर द मेंस। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स के आई थिंक 390 अबव हैं वो भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी कट ऑफ कितना जाता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट सब्जेक्ट में से, जहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लाइक हम शॉर्ट नोट्स की भी बात करेंगे, साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस की भी। तो सबसे पहले तो आपने जो है फैक्ट इन इशू, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। फैक्ट इन इशू क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको शॉर्ट नोट में आ जाती हैं, तो आपने ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। डिफाइन इंडियन एविडेंस एक्ट दैट कैन बी आस्क्ड इन द, ठीक है, उसको पूछा जा सकता है। तो डिसप्रूव नॉट प्रूव की डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, रेलेवेंसी क्या होती है, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी क्या होती है, दैट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, ठीक है। मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, ये भी शॉर्ट नोट में भी आ सकता है आपको। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सेक्शन 6 रेस जेस्टे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है, और इधर दिस कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट नोट में भी आपको ये पूछा जा सकता है। देन योर सेक्शन 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू की से अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपकी एडमिशन एंड कन्फेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी आपके एडमिशन कन्फेशन है, ठीक है, व्हाट इज़ एन एडमिशन, एडमिशन की रेलिवेंसी क्या है, ठीक है, ये सारे सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 23 पे सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है, कन्फेशन क्या है, कि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया जा सकता है या नहीं, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, बट दे मे ऑपरेट एज एस्टॉपल, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे। सो आप सबको पता है कि ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि इसको आपने लिखना कैसे है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर फ्रेम करना है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए भी मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगी, बट ये टॉपिक्स एडमिशन्स एंड कन्फेशन में डिफरेंस क्या है दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद अगर हम सेक्शंस की बात करें, देन जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपके ये फिर सेक्शंस जो हैं वो रेलिवेंट होते हैं। एक थर्ड ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन कब रेलिवेंट होता है, व्हाट इज़ हु इज़ एन एक्सपर्ट, व्हाट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी विटनेस एंड एक्सपर्ट टेस्टिमनी, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी विटनेस में एंड एक्सपर्ट टेस्टिमनी में, क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपने जो है इसमें से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट इज कि सिविल केसेस में करेक्टर रेलेवेंट होता है या नहीं, क्रिमिनल केसेस में करेक्टर रेलेवेंट होता है या नहीं। तो आपको आंसर फ्रेम करना है कि क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है, क्यों होता है क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट, ये आपको लिख के आना है। देन क्रिमिनल केसेस में बैड करेक्टर रेलेवेंट नहीं होता, सिर्फ रिप्लाई में होता है। सिविल केसेस में अगर इररेलेवेंट है, फिर उसकी दो एक्सेप्शंस हैं अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें से आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सो फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 56 एंड 58 में हमें दिया हुआ है, जिन फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। देन व्हाट इज़ एन ऑरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, व्हाट इज़ प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पे दिया जा सकता है, दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 65। वॉट इज़ द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपको वो पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद वॉट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है, ये चीज़ों में इसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देन द क्वेश्चन कैन बी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 91 एंड 92 सेक्शंस, ठीक है, कि बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर बेस्ड है, कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डॉक्यूमेंट से ही आपको प्रूव करना होगा डॉक्यूमेंट को, तो ये आपको पढ़ना है। प्लस वॉट सॉरी, व्हाट इज़ अ पेटेंट एम्बिग्यूटी, व्हाट इज़ अ लेटेंट एम्बिग्यूटी, दिस ऑल्सो यू नीड टू स्टडी, कि पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होता है, लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस आ सकता है। फिर हमें सेक्शंस दिए हुए हैं, उसके बाद व्हाट इज़ अ बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है, सो उसको लेके आपके सेक्शंस हैं 101 से, ठीक है, दैट यू नीड टू स्टडी। देन उसके बाद जो है 112 सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो इसकी जो लैंडमार्क जजमेंट है गौतम कुंडू वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, साथ में आपको वो पढ़नी है।
वॉट इज़ एन एस्टॉपल? एस्टॉपल पे फुल फ्लेज आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. दिस इज़ ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट कि कौन विटनेसेस जो हैं टेस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, वॉट इज़ द टेस्ट टू बी अप्लाइड? ठीक है, कौन से विटनेसेस जो हैं टेस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं. हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट विटनेस हो सकते हैं या नहीं. वेदर दे कैन डिपोज अगेंस्ट ईच अदर और नॉट. तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है. व्हाट इज़ अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन? सो आपको ये सारे सेक्शंस फिर पता होने चाहिए उसके रिगार्डिंग. उसके बाद सेक्शन 133 में से आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, हु इज़ एन अकम्प्लिस? तो अकम्प्लिस के साथ फिर हम 114 इलस्ट्रेशन बी आप लिखते हो. इसकी लैंडमार्क जजमेंट्स पता होनी चाहिए क्योंकि समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस. देन उसके बाद है एग्जामिनेशन इन चीफ. इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है. लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? ठीक है, शॉर्ट नोट या लॉन्ग में आपको साथ में अटैच हो के आ सकता है. लीडिंग क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे नहीं. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद व्हाट इज़ रिफ्रेशिंग मेमोरी? ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है. पावर ऑफ द जज टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन, सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर. तो इन दिस वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क. ठीक है, तो ये सारे आपके जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, एविडेंस की डेफिनेशन, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है. ठीक है, उस पर बहुत बार शॉर्ट नोट आया है या आपको फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. फिर आप उसमें जजमेंट लिख के आ सकते हो शारदा वेदिचंद शारदा की. ये सारे इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन बनते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में से. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशरी, देर इज़ अ स्पेशल ऑफर दैट इज़ रनिंग ऑन आन अकेडमी. दैट इज़ यू कैन गेट सेव 20% प्लस गेट अप टू फ्री 6 months एक्सटेंशन आपको मिल सकता है. टारगेट जुडिशरी, दिस इज ड्यूरेशन इज 12 months प्लस फ्री 3 months. ड्यूरेशन जो है 18 months का है प्लस फ्री आपको 6 months मिलते हैं. सो यू कैन सी हाउ मच यू कैन सेव बाई यूजिंग दिस कोड. लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी जस्ट अगर आपने प्रिपरेशन शुरू की है, दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव बैच 50,000. इसमें जो प्राइस है इसका, दैट इज़ दिस एंड ड्यूरेशन इज़ ऑफ 12 months. दिस इज़ द लिंकिंग बैच राजस्थान एंड गुजरात के लिए. आप देख सकते हो कि आपको अभी ये कितने प्राइस पे अवेलेबल है. सो दिस इज़ द रिवीजन बैच फॉर यूपी मेन्स एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, इसकी प्राइस भी आप देखो. ठीक है, कितने आपको कम में मिल रही है. तो ये आपके डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ हैं. मेन्स टेस्ट सीरीज़ फॉर पंजाब जुडिशरी, अगर आप पंजाब जुडिशरी कर रहे हो, सो दिस इज़ द मेन्स टेस्ट सीरीज़. तो ये आपका शेड्यूल है. ठीक है, आप जो है ये कोड यूज़ करके आपको सिर्फ ये इतने पे ही अवेलेबल है. सो थैंक यू सो मच एवरी वन, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो नंबर ऑफ डिफरेंट बैचेज आर गोइंग ऑन एन आन अकेडमी. सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी एट एनी टाइम. एंड और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल रिगार्डिंग योर अन अकेडमी क्लासेज, स्पेशल फ्री क्लासेज एंड अदर क्लासेज शेड्यूल.